पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माँ की आमदनी 30 से 35 हज़ार होने लगी। इसको भी मैंने सर समूह में वापसी कर दिया। इसके अलावा सर मैंने अपनी बचत से और समूह से 50,000 का ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल खुदवाया, जिससे मेरी माँ की सालीना की फसल 3 से 4 लाख हो रही है। इसके अलावा सर जी मैंने 2.5 बीघे का अमरूद का बगीचा भी लगाया है और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने खुशी इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है, 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25 हज़ार हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35 रुपए दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपए हाथ में रख रही है और माँ की आमदनी 80 से 85 हज़ार हो रही है, सालीना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। इस ये मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 7 जिलों में पोषण आहार संत्र की अचार फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी मामा जी द्वारा हम बहनों को दी गई, जिससे हमें पोषण आहार सप्लाई करने का मौका मिला और मामा जी ने द्वारा इससे लाखों बहने को रोजगार मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि श्योपुर में पधारे और मेरी स्वयं सहायता समूह की 43 लाख बहनों का भाग खोल दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये मेरी स्वयं सहायता समूह की और आजीविका की बहनों का साथ है कि आज मैं इस मंच पर माननीय जिनसे मिलने के लिए VIP लोग त्रस्त, आज मुझ शहरीय महिला को यहाँ मौका मिला और मेरा जीवन सफल हो गया। जय हिंद, जय आजीविका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।